सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आई थिंक मेरे हिसाब से इस दिन सब लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो आज बहुत ही ज़्यादा पूजा भी हो रही है घर पे। और श्रेया ने बोला था कि मंदिर लेके चलो, तो मैंने कहा ठीक है चलो मंदिर लेके चलते हैं। और मंदिर काफ़ी दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। और आज संडे है और आज मैंने सोचा चलो घर से व्लॉगिंग करना शुरू कर दें। देख सकते हैं वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है, धूप निकली हुई है। एक तो ये मकड़ी का जाला लगा हुआ है ना, ये खंभा, इसमें बिजली के तार बहुत ज़्यादा है गाइस। देख सकते हैं गिलहरी भाग रही है, सूरज निकला हुआ है। तो अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि श्रेया तैयार हो गई है कि नहीं। वो तैयार हो रही थी, तैयार हो जाए उसके बाद हम लोग निकलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं मंदिर के नज़ारे कि मंदिर कहाँ है, कितनी दूर है, कैसा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पर। गाइस, आज नवरात्र है तो मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और आधा खाना बना चुकी हूँ और इसके बाद मंदिर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप जो तैयार हो रही हूँ, बस मैंने बहुत दिन के बाद साड़ी पहना है। अब बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगती हूँ साड़ी पर। तो मैं रोज़ साड़ी पहनती हूँ, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ मुझसे रोज़ कहती हैं साड़ी पहनने के लिए, मगर मैं नहीं पहनती। मुझे साड़ी पहन के काम करने में दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए नहीं पहनती। चलिए अभी तो मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार हो जाऊँ फिर निकलते टाइम की आपकी ब्लॉग दिखाती हूँ। मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, फिर मंदिर पे चल के दिखाते हैं आज मंदिर पे। आज नवरात्रि तो पता ही है, सभी घर में पूजा भी, मेरे घर में भी पूजा है। फिर मिलते हैं, ठीक है मैं। गाइस चल रहे हैं मंदिर की तरफ और मंदिर का रास्ता यही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इतना अच्छा वेदर है और हरी हरी पेड़ है और खेतियाँ भी हैं और सड़क एक ही है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा नज़ारा है और मैं खुश रहे हैं। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, अब पापा लोग के साथ में ही आए हैं और इधर का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे पेड़ थे, दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर गाय भी है ढेर सारी, यहाँ वो मंदिर है। वहाँ पर बहुत सारे मतलब हरे घासे, पेड़ पौधे, खेती बहुत ज़्यादा इधर होती है, इधर हरियाली बहुत ज़्यादा है। और इधर सुबह सुबह आ कर मन बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ जो भाई कहीं चल रहे हैं अच्छा लगता है, चल के सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है। ताज़ी ताज़ी हवा भी मिल जाती है और तो आप यहां आ जाओ। बोले थी मंदिर चलो थोड़ा सा टहला लाओ, तो घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर है, तो आज मैं उन लोग को यहीं पे लेके आ चुका हूँ। और देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है और ये गांव साइड में पड़ता है, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है मेरे घर से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है। और ये देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये मंदिर है। तो गाइस देख सकते हैं मंदिर आ चुके हैं हम और श्रेया, और मंदिर में दर्शन कर रही है श्रेया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है यहाँ का और मंदिर है भोलेनाथ का। हो गया, उधर से आया जाता है, इधर से चली गई। अच्छा, ये हाथ पैर जोड़ लो भगवान के, इन सब के ऊपर जोड़ लो। सो हेलो गाइस, तो आप घर आ चुके हैं। रास्ते में थोड़ी सी वीडियो नहीं बना पाए कि थोड़ा थक गए थे और थोड़ा साड़ी बड़ी पहन कर बाइक में बनाने की भी दिक्कत होती है और गांव एरिया भी था। हम लोग सोचे कि ऐसे फ़ोन रख के बनाए तो कोई ऐसे खींच के ना कोई भाग जाए, तो इसी वजह से थोड़ा सा मंदिर का बनाया, मंदिर के बारे में बताया। अब इस टाइम घर आ चुके हैं, थोड़ा थक भी गए हैं, अब जाना थोड़ा खाना पीना भी खाने। अभी टाइम कितना हो गया, अभी बज गया है 12, कुछ खाया नहीं है सुबह से, सिर्फ चाय पी के गए थे और घर में पूजा था, पूजा भी हो चुका है। अब इसके बाद चलते अब आराम करते हैं। हम लोग भी आराम करिए, वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और हम लोग को ज़रूर फॉलो करिए आप। बस अब इसके बाद चलते हैं, आराम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पर बने रहिएगा हमारे। बाय बाय।